नमस्कार, मैं प्रिया तैल, आप देख रहे हैं नेट 9 न्यूज नेशन। शिक्षक भर्ती मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के प्रति लोगों में नफरत बढ़ती जा रही है। उनके प्रति लोगों में क्रोध बढ़ रहा है और जिसका जीता जागता जो सबूत है, जो तस्वीर है, हमको मंगलवार को देखने को मिली। एक महिला ने पार्थ चटर्जी को देखते ही उन पर चप्पल फेंक दी। ये घटना तब सामने आई जब पार्थ ईएसआई अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाकर बाहर निकल रहे थे। इस दौरान उस महिला ने कहा कि ये नेता जनता का धन लूट रहे हैं। हरे रंग की साड़ी पहने महिला काफी देर से ईएसआई अस्पताल के बाहर खड़ी थी। किसी को भनक तक नहीं लगी कि वह पार्थ चटर्जी का इंतजार कर रही है और उन पर हमला करेगी। पार्थ चटर्जी को देखते ही वो उनकी तरफ बढ़ी और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर अपनी चप्पल फेंक दी। पार्थ मेडिकल जांच के बाद ईएसआई अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, तभी एक चप्पल उनकी तरफ आई। कुछ ही सेकंड में महिला ने दूसरी चप्पल भी उनकी तरफ फेंक दी। सबकी निगाहें पार्थ से किसे पीछे की ओर मुड़ गई। महिला का नाम शुरुम है और वह दक्षिण 24 परगाना के अम्बल इलाके में रहने वाली है। पूर्व मंत्री पर चप्पल फेंकने के बाद महिला ने कहा कि चप्पल की मालाओं से स्वागत होता तो अच्छा होता। साथ ही महिला ने कहा कि वह बेरोजगारी और एसएससी भ्रष्टाचार की स्थिति से नाराज है। वो यही नहीं रुकी, उसने कहा कि चप्पल पार्थ को लगती तो ज्यादा खुशी होती। मीडिया से बात करते हुए महिला की तरफ बढ़ी तो मीडिया की भीड़ जो है वो जब महिला की तरफ बढ़ी तो उसने कहा कि मेरे घर के लोग बीमार हैं, वे अस्पताल में भर्ती हैं, दवा खरीदने जाना है, कृपया मुझे जाने दो। और उन्होंने कहा कि मेरा सर घूम रहा है। उसके बाद वे नंगे पांव कंधे पर बैग लेकर घर की ओर चल गए। दरअसल रविवार को पार्थ चटर्जी ने दावा किया था कि ईडी की छापेमारी के दौरान जो पैसा बरामद हुआ है उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से, वो उनका नहीं है। वही अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि वो पैसा उनका नहीं है। ऐसे में ईडी दोनों से पूछताछ कर रही है और जो पार्थ चटर्जी हैं वो ईडी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि अर्पिता मुखर्जी लगातार ईडी के सवालों का जवाब दे रही हैं और उनका सहयोग कर रही हैं। ऐसे में ईडी जो है बाकी काफी सारी चीजों के दस्तावेज जो मिले हैं उनकी जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी निकाले गए हैं जिनको खंगाला जा रहा है। देखना होगा इन सभी जो ईडी की जांच में और क्या बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।